इस बैठक में कविता की बारी है। हम लोग कुछ अन्यत्र भी बकबक करते घूम रहे हैं अनेक विषयों पर, लेकिन यहाँ जिस कविता की बारी है वो 50-60 बरस स्वयं कविता लिखने के बाद मेरे लिए अप्रत्याशित था। जब पता चला कि मुकुंद जी, जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, जिनको मैं एक विचारक, दार्शनिक और संगीत शास्त्री के रूप में जानता रहा हूँ, संभवतः हिंदुस्तानी संगीत के समय देश में वो सबसे बड़े विचारक हैं, उन्होंने कविताओं के अनुवाद किए थे ये भी मैं जानता था, लेकिन चुपके चुपके, और इसी चुपके चुपके में कविता का मर्म छिपा है। हालांकि यहाँ तो वो सार्वजनिक हो जाती है और लिखने के बाद भी एक तरह से सार्वजनिक हो जाती है, लेकिन कविता है चुपके चुपके का मामला। चुपके चुपके आप प्यार करते हैं, चुपके चुपके अनुराग करते हैं, चुपके चुपके मोह उपजता है, चुपके चुपके देखते हैं, लेकिन कौन कवि हो जाएगा इसका कई बार अंदेशा नहीं होता। यानी हम लोग जैसे नीचट लोग तो उसी पर जमे हुए हैं, उसी पर हमारी बदनामी है, लेकिन ऐसे लोग जिनका ऊपर से कविता से कोई संबंध नहीं, मतलब काव्य प्रेमी हैं, कविता पर मुकुंद जी की राय का बहुत महत्व है इत्यादि, लेकिन वो चुपके चुपके कविता लिख रहे हैं ये हमको पता नहीं था। तो बहरहाल जब वो उनका पहला कविता संग्रह, मैं सोच रहा था कि देखिए मेरा पहला कविता संग्रह जब छपा था तो मेरी आयु 25 वर्ष की थी, और मुकुंद जी का एकमात्र संग्रह जब छपा है तब उनकी आयु 75 वर्ष की है, तो मेरी बेशर्मी देखिए और उनका संकोच देखिए, जमे हुए हैं। मतलब हालांकि मैं अपने को इतना बुरा कभी नहीं मानता जितना आपको लगता हूं, लेकिन तो सबसे पहले, इसके बाद हम बातचीत भी करेंगे, उन्होंने संग्रह का नाम भी किंचित विचित्र ही चुना, और चूंकि विचित्रता का भी एक आकर्षण होता है, आजकल लोग तरह तरह के चित्र विचित्र कपड़े पहनते हैं, यानी क्या क्या करते हैं, फुंदना लगा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो संग्रहों के नाम भी ऐसे विचित्र हों तो क्या बुरा है। तो जब ये अनरहनी रहने दो, आज कोई मुझसे पूछ रहा था कि साहब इसका अर्थ क्या है, मैंने कहा कि मियाँ किताब पढ़ो तो अर्थ खुलेगा, ऐसे चलते चलते मैं नहीं बताऊंगा, हालांकि मुझे भी पता नहीं है। तो बहरहाल इसके पहले के हम कविता पर बात करें, पहले मुकुंद जी से कुछ कविताएं सुनते। मुकुंद जी, धन्यवाद अशोक जी, ये अशोक जी के कारण ही कविता सामने सुन रहा है या नहीं? पास रखिए। अच्छा, और पास, हाँ, इन्हीं के कारण ही ये छपी है। इन्होंने कहा कि कुछ दो जो छापे हैं तो मैंने दे दी, मगर मुझे मालूम होता कि वो एक छोटी सी कविता है मेरी पुरानी, वो बताता हूँ। हल्की सी थपकी दी, नाव गई बीच भंवर। तो अब उस नाव का क्या होगा, अब हमने तो सामने कर दी है, उस नाव का क्या होगा ये वो नाव ही जान सकती है। खैर, मैं आपको कुछ कविताएं सुनाता हूँ शुरू में, और फिर उस पर जो भी बातचीत होगी। कविता का शीर्षक है पंख उसके हैं सदा, जिस किनारे आ लगे सो गए उसकी बांह में। सुन रहा है या नहीं? जिस किनारे आ लगे
सो गए उसकी बांह में, जब आंख खोली टीस जागी उंगलियों में, जब आंख खोली टीस जागी उंगलियों में, पकड़ में कुछ भी नहीं था। शून्य की लंपट लहर आई गई, अब फिर बहा लाई वहीं पकता हुआ सा फल, निराला घोंसला फिर उन्हीं चिकने घने पत्तों में सजा है। सो रहो, अब यहां जागोगे कहां? कोई नया भी शून्य है, बह रहा पानी फिर छलावा, गोद में आकाश का फिर वही रीता, वही अनहोना निमंत्रण। हठीला क्यों नेति का संकेत है, हठीला क्यों नेति का संकेत है, मैं सो रहूं पर पंख उसके हैं सदा। मिल नहीं पाया जिसे ढूंढा, मिल नहीं पाया जिसे ढूंढा, किसे ढूंढा कहां कब समझ आया, किसे ढूंढा कहां कब समझ आया, पास बैठा पूछता पहचानते हो मैं वही हूं, मान जाते। पहेली से पांव उठते थम न पाते, तभी आपा ही चलाचल में बिलाया, कौन तोले किसे खोया किसे पाया, एक धुन की गूंज अनथक टेरती है, एक धुन की गूंज अनथक टेरती है, मुझे मेरी पहुंच सबको घेरती है, मैं वही पथ वही जाना है जहां, डोर से बंधता बिखरता चराचर। एक और सुनाता हूं जिसका शीर्षक है यम की तटिनी का ऊर्मि छंद, यम की तटिनी का ऊर्मि छंद, वैतरणी के जल में अपनी देखी काया, वैतरणी के जल में अपनी देखी काया, मैं झुका धीर बहती धारा में कहीं नहीं कोई छाया, कैसे कह दूं मैं था यों था, कब अपने को देखा मैंने, किस चिन्ह कहूं मैं खड़ा यहीं, आहट आई अनपहचानी मैं उधर मुड़ा कुछ नहीं कहीं, क्या जाने क्या मैंने ठानी, अब डूब निरय के अतल गया, भीतर बाहर का सन्नाटा जिस अन कहने को दूर जगत के ओर छोर फैलाता है, उसमें सब कुछ के आ ढहने के बीच नाभि से उभर अरे बुन रहे चक्र गुथ रहा गूढ़ मेरा आपा, किस पथ जाएगा कौन कहे, मैं गुहालीन आलोक मूड पर निर्भय हूं, यम की तटनी के किस अगाध का ऊर्मि छंद, मेरी अनगढ़ आंखों की अन्न दिख लौ को देता अमिट स्पंद। बातचीत कर मैं मुकुंद जी को पिछले करीब 32-33 साल से तो जानता ही, 32-33 साल यूं कि जब मैं यहाँ जयपुर में
राजस्थान पत्रिका में काम करता था 1980 में, तो उस वक्त प्रयाग शुक्ल यहाँ आए थे कवि, और हम पहली बार मुकुंद जी के घर गए तो इनके यहाँ पे जो मैंने कलाकृतियों का संग्रह देखा बहुत भव्य था, मैं कभी भूल नहीं सकता जीवन में। गणेश पाइन जैसे महान कलाकार की खूब सारी कलाकृतियाँ। उसके बाद पंडित जसराज जी के शिष्य के रूप में इनको सुना, उनके साथ में भी मिला, लेकिन कभी मुझे भी भनक नहीं पड़ी थी कि कविता भी लिखते हैं। अच्छा, भी किताब आई तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि इस पे बात करनी है। हालांकि मैं कविता पे बात करने का अधिकारी हूँ नहीं, क्योंकि इनके मुरीदों में हूँ इसलिए मुझे बुला लिया गया। दूसरा, मैं ये भी मानता हूँ कि कविता पे बात क्या करना, कविता को सुनना चाहिए। कविता के बारे में तो कहा भी जाता कि बात बोलेगी हम नहीं, राज खोलेगी बात ही हम नहीं। पर मैं जानना इनसे ये चाहता हूँ कि क्यों छुपा के रखा है ये इतनी बड़ी प्रतिभा संगीत के बारे में। आप मंच पे आके गा रहे हैं लेकिन कविता में इतनी कविताएं, और तब से लिख रहे हैं, यानी जब से मेरा परिचय 80 की बात बता रहा हूं, लेकिन इनकी पहली कविता 1976 की है, इमरजेंसी के ठीक बाद, के दौरान नहीं बल्कि इमरजेंसी के दौरान। तो उस वक्त इनकी कविता फूटती है, वो अब तक चली आ रही है लेकिन किसी को भनक नहीं पड़ती है। शायद कभी नीरजा जी ने भी जिक्र नहीं किया कि आप कविता लिखते, उनको भी आपने कभी बताया कि नहीं बताया? क्यों छुपा कर रखा ये बताइए। ये प्रश्न, इसका क्या उत्तर दूं? आपने, अशोक जी ने अभी कहा कि ये छुपके छुपके का काम है, ये ठीक है कि ये काम एकांत का ही होता है, और वहाँ भी हम उस एकांत में भी और एकांत ढूंढते हैं। पर एक बात कहूँगा कि कविता जिस मैं को यहाँ बैठा हुआ हूँ जानता हूँ, व्यवहार में जो मैं आता हूँ, वो कविता नहीं करता है। जो कविता करता है वो एक तरह का अनचिन्हार, अनपहचाना ही रहता है, और वो अपने को मुझसे भी छुपाता है। तो उसको वो चाहता है, छुपना ही चाहता है। उसको कभी कभी आता है और वो यानी कहता है कि मुझे सामने लाओगे तो फिर बात बनेगी, नहीं तुम हमारा तुम्हारा साथ नहीं रहेगा। यानी वो है तो बड़ा विचित्र है, मैं ही हूँ, पर एक ऐसा अजीब आयाम है मैं का कि जो मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है, और अपनी उसकी कुछ मांगे हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं, पर अब तो आ ही गई है सामने, पता नहीं कैसे मांगे पूरी होंगी। मैं ये सोच रहा था कि आजकल की जो कविता है, और हम लोग जो अब कवि हैं, मतलब अब तो खैर शायद ऐसे भी कवि हो गए होंगे जो कविता लिखने के पहले ही ये तय कर लेते होंगे इसका क्या करना है, लेकिन अगर थोड़े संयमशील होंगे तो कविता लिखने के बाद वक्त नहीं गंवाते, उसको कहीं ना कहीं छपवा देते हैं। बहुत सारी कविता जो आज लिखी जाती है वो हड़बड़ी की कविताई है, जितनी जल्दी कोई घटना हुई, कुछ हुआ तो उस पर फौरन प्रतिक्रिया, लगभग अखबार की टिप्पणी की तरह ऐसी भी कविता है। और ऐसे भी लोग हैं जो कविता में अपना एकांत बचा कर रखते हैं, यानी जो भी उनका एकांत है वो आध्यात्मिक एकांत है कि कोई और किस्म का एकांत है, उसको बचा के किसी तरह से रखते हैं। हर कवि में शायद एक और कवि होता है, एक और मतलब व्यक्ति है जो असल में कविता लिखता है, और जो ये जो व्यवहारशील व्यक्ति है, जो चपल चरण और बकबक करता अशोक वाजपेयी है, ये कविता नहीं लिखता, वो कोई और है। तो ये बात तो हम सबके मन में कभी न कभी आती है कि कोई और है,
उसको बहुत ही रहस्यमय से कोई और है जो लिखवा लेता है। अब आप कहेंगे कि ये तो अपनी जिम्मेदारी से बचना है कि आप अगर आपने खराब कविता लिखी तो कहे मैं क्या करूं, वो तो वो कोई और है जिसने लिखी है, तो ये तो एक तरह का बचना हुआ, कोई आपसे नैतिक स्खलन हुआ, तो आप कहेंगे कि वाह ये तो मैं क्या करूं, ये तो कोई और है। तो कोई और होने का जो सिद्धांत या स्थिति है वो एक बचाव का भी हिस्सा हो सकती है। अपने को वेद्य न बनाना, अपने को दूसरों के सामने जवाबदेह बनाने से बचना। तो आपने कविता लिखते रहे, आप जितने बरस कविता लिखी है उतने बरस आपने अपने को अन्यथा तो वेद्य बनाया लेकिन कविता में वेद्य नहीं बनाया, तो इसके पीछे कोई आपको नैतिक दुविधा नहीं नजर आती? एक बात कहूंगा, ये ठीक है कि ये जिम्मेदारी रहती है कि ठीक बनी या नहीं बनी। हाँ। और इसमें दूसरे सर्रदय यानी इसको सर्रदयों के सामने नहीं लाना, ये दोष ही कहला सकता है, सही विवेक का अभाव कह सकती है। पर एक बात सोचिए कि जो कविता करता एक दोहरापन होता है मन में जब कविता हम करते हैं, कविता का करने वाला और सुनने वाला पहला जो करता है वही होता है, और उसमें अगर विवेक उसमें ना हो, अगर उसकी पकड़ उसका मीन मेक निकालने में अगर उसमें कड़ाई नहीं हो, सख्ती नहीं बरते कि ये क्या कर रहे हो मियाँ, अगर ये ना हो तो फिर बात नहीं बनती है। तो अब ये मैं कहूँगा कि वहाँ तक तो मैंने ज़रूर सख्ती बरती पर सामने नहीं लाया। अब चलिए क्या 30-40 सालों में होता है कविताओं को, अब सामने आ गई है, अब दूसरे भी सख्ती बरतेंगे और हो सकता है ज़्यादा ही बरते हैं, क्योंकि ये भी दोष किया कि सामने नहीं लाया, और भी बातें होंगी कि ये समय के अनुकूल है या नहीं, यानी बहुत सी बातें होंगी। जब एक भी बात कोई भी चीज़ सामने आ जाए तो फिर बातें बहुत सी होती हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मुझे थोड़ा विचार करता हूँ और उस पर जो लिखता हूँ विचार के उस संबंध में वो मैं सामने ले आता हूँ वो तो उसके लिए बहुत नहीं रुकता हूँ। अब वो वास्तव में कितना सामने आता है ये बात दूसरी है, क्योंकि अभी तक ऐसा मैंने नहीं, बहुत कम पाया है कि जो मैंने लिखा है विचार में उस पर सचमुच ही कोई चर्चा हुई हो, उसकी आलोचना भी हुई हो। कितनी भी कड़ी आलोचना हो, आलोचना होती है तो ये लगता है कि चीज़ देखी गई, कुछ उस पर सोचा गया, कुछ बात जो है कुछ सामने सचमुच ही आई है। वो सामने लाने के बाद भी सामने नहीं आई, पर आप देखिए विचार में और कविता में एक फर्क बड़ा भारी मैं समझता हूँ होता है। विचार जो है वो हमेशा अपने सामने रहता है, छुपता नहीं है अपने आप से, बल्कि और अपने को देखता चलता है, बहुत गहराई से अपने को जांचता परखता चलता है। पर कविता स्वभाव से ही ऐसी है कि वो वो कही हुई बात जो है उसको एक तो कहने से पहले वो छुपी रहती है और कहने के बाद वो और भी छुप जाती है, क्योंकि उसकी व्यंजना उसका अर्थ जिस चेतना में जागता है वो चेतना विवेचना विचार नहीं करती है, वो चेतना और तरह से समझती पकड़ती है। तो वो
ये एक अपने यानी वो उसका छुपाव छुपाव ही बना रहता है, जबकि विचार का छुपाव सामने आकर भी वो छुपाव बना रहता है, ये एक विचित्र बात है। हालांकि उसको मैं हमेशा सामने लाता रहा हूँ और अब तो ये भी सामने आ गई है, इस पर जो भी विचार होगा होगा जरूर। इनका जवाब सुनते हुए आपने लक्ष्य किया होगा कि दर्शन और अध्यात्म ये दो चीजें जो हैं वो इनके सोचने के नजरिए में भी हैं, कविताओं में भी बहुत झलकती हैं। इन अभी जैसा वाजपेयी जी ने कहा कि आज कल कविता कैसी लिखी जाती है, जल्दबाजी की है। कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि कविताओं के बारे में चौथा सप्तक की भूमिका में शायद अज्ञेय ने कहा था कि आज की कविता बहुत बोलती है, जबकि कविता का काम बोलना है ही नहीं। तो ये जो बोलने वाली कविता है, लाउड कविता है, या जैसा इलियट कई कभी उन्होंने अनुवाद करते हुए कहा था कि कविता शब्दों में नहीं, शब्दों के बीच की नीरवताओं में होती है। तो इस शब्दों के बीच की जो नीरवताएं हैं, इनकी कविताएं पढ़ते हुए जो मैं पिछले जब से किताब मुझे मिली है मैं बार बार पढ़ता हूं, और मेरे ख्याल में अच्छी कविता का आनंद यही है कि आपको उसको कई बार पढ़ना होता है, जितनी बार पढ़ते हैं आप उसमें नई चीजें पाते हैं। लेकिन एक तो सीधे सीधे अध्यात्म के पौराणिक संदर्भ, ऋग्वेद के सूर्य, रुद्र, नेति, सोम, ये आपको कविताओं में मिलते हैं। लेकिन एक और चीज जो मैं इनसे समझना चाहता हूँ कि क्या सयास है, जैसे इनकी कविताएं किसी मौन की प्रतिष्ठा करती हूँ, जो मौन अपने आप में एक भारतीयता का वो भारतीयता उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में कुछ संकीर्ण लोग भारतीयता की परिभाषा करते हैं, लेकिन उदार और एक गहरे और ईमानदार अर्थ में जो भारतीय मूल्य हैं उनमें मौन भी एक बड़ा मूल्य है, जिसकी अगर कोई प्रतिष्ठा कर सकता है तो वो कविता कर सकती है, संगीत कर सकता है, चित्रकला भी कर सकती है। दो छोटे टुकड़े इनकी कविताओं के, बल्कि तीन, जिसे मैं जो कहना चाह रहा हूँ या जो मैंने समझा है वो जाहिर होगा। एक कविता है मौन के संबंध में, शब्द के शिकार शब्द ढूंढते हैं, शब्द के शिकार शब्द ढूंढते हैं बेकिनार, चुप के भी तार कहीं छोर कहां पाते हैं। शब्द के शिकार शब्द ढूंढते हैं बेकिनार, चुप के भी तार कहीं छोर कहां पाते हैं। एक जगह वो कहते हैं, चुप का भी वही घर है जो घर तुम्हारा है, शब्द जहां जन्म के अछूत। और एक और कविता का टुकड़ा है, कुछ उधर की बात कहने को उठे थे होंठ, सारे अर्थ शब्दों से किनारा कर गए। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो मौन की प्रतिष्ठा है ये अनजाने हो रही है कि आप कुछ सायास भी इसमें करते हैं, क्योंकि बहुत सारी कविताओं में उदाहरण दो तीन दिए हैं, मैं काफी ढूंढ के दे सकता था। देखिए, मौन की बात बहुत होती है कविताओं में, संगीत में, कला मात्र में, पर एक बात हमें सोचनी चाहिए कि मौन भी कई तरह के होते हैं। मौन भी कई तरह के होते हैं। गुस्से का मौन होता है, लोग एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, बोलते नहीं है, सारी उम्र नहीं बोलते हैं, पर जिस मौन की बात हम कला के संदर्भ में या कविता के संदर्भ में करते हैं, वो एक तो पहली बात यह है कि वो शब्द से बंधा रहता है, और वो मौन, उसके लिए पुराने लोग व्यंजना की बात करते थे, वो इसलिए कि शब्द जब हम खासकर ऐसा शब्द जिसके अंदर जो कुछ भाव जगाता है, उसको कहने के बाद जब वो भाव जाग जाता है तो वो शब्द चुप हो जाता है, और वो भाव जो है वो निःशब्द ही होता है। यानी अगर जैसे गालिब का अगर शेर ले लें, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। अब देखिए ना, कितनी छोटी सी बात कही है, पर ये जिस बात की व्यंजना करता है वो कहाँ है जिसकी खबर हमको नहीं आती, हम और हम वही हैं। तो ये इसमें जो व्यंजना है
उसको आप अगर शब्द देने लगेंगे वो व्यंजना आपको पकड़ती है, पर जिस चेतना में आपको पकड़ती है वो वहां विवेचना नहीं की जा सकती है, क्योंकि आप करने लगे विवेचना, इसके कई अर्थ निकल सकते हैं, निकाले ही हैं लोगों ने, हम भी हारते नहीं हैं, विवेचना हम करते ही हैं, क्योंकि किसी न किसी तरह से उस मौन को हम शब्द देना चाहते हैं, नहीं तो हमें लगता है हमें हमारी समझ में नहीं आए। पर वो मौन जो है वो मौन किसी बात का मौन होता है, उसकी डोर से बंधा रहता है, और अगर वो ना हो तो फिर वो कविता ना होगा। मौन के कई रूप हो सकते हैं, अध्यात्म का मौन होता है, गुस्से का मौन होता है, दोस्ती का बैठे हुए मौन होता है, आप यानी हम खुद ही सोच सकते हैं कि मौन के कितने तरीके हो सकते हैं। पर ये यहाँ मौन शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उस व्यंजना से अर्थ होता है जहाँ बात कुछ ऐसा भाव जगा देती है जिसको बात में नहीं कहा जा सकता, जैसे स्वर ऐसा ही करता है, उसकी फिर विवेचना करें तो वो जिस भाव जो भाव जागा था फिर वो नहीं रहता है, उसका फिर आप अनुवाद करते हैं दूसरे शब्दों में। अब एक बात मुझे सुझाई, एक बुनियादी अंतर विरोध है कविता में यानी शब्द और मौन के बीच, अगर मौन है तो शब्द नहीं होना चाहिए, अगर शब्द है तो फिर मौन कहाँ, ये अंतर विरोध एक तरह का अस्तित्वगत अंतर विरोध है, एक तरह का एग्जिस्टेंशियल अंतर विरोध है, क्योंकि बात आपको मौन की करनी है, करना है शब्दों से, तो फिर हमारे कवि अगेन है मौन भी अभिव्यंजना है ये कहा, लेकिन कितने शब्द लिखे, मतलब हिंदी में इतने शब्द लिखने वाले लेखक बहुत कम है और बात मौन की है, तो एक अंतर विरोध है जो। और इस समय ये तो समय बेसुरे कीर्तन और भड़भड़, संभवतः भारत इस समय सबसे ज्यादा आवाज पैदा करने वाला देश होगा। आप किसी होटल में, अगर अभी मैं बंबई के एक होटल में था तो वहां सारे लोग एक दूसरे को इतनी जोर जोर से पुकारते थे, मतलब वेटर एक दूसरे कहे भाई उसको अखबार देना 13 नंबर में, तो इतनी जोर से बोलता था कि वहां तक सुनाई दे जाए। तो हम लोग संसार में सबसे अधिक ध्वनियां पैदा करने वाले इस समय हैं, और चूंकि हमारी संख्या इतनी अधिक है तो सोचिए कि ये 100 करोड़ से अधिक लोग कितनी ध्वनियां पैदा कर रहे हैं। ये अलग बात है कि सारी ध्वनियां हम अपने पर ही तारी, मतलब हम ही पर वो गरां गुजर रही हैं, लेकिन ऐसे में मौन जो है एक तरह का प्रतिरोध भी है, एक तरह का अपसरण भी है ये आवाजों की अधीर और बेतहाशा दौड़ लगाती संस्कृति से, और इसलिए ऐसा मौन कई बार अनसुना भी जा सकता है, और ऐसे अवसर साहित्य में बहुत हुए हैं, हमारे ही अपने कविता में पिछले 50-60 साल में हुए हैं, जहां जो बोलता है और ज्यादा बड़बड़ बोल बढ़ के बोलता है, ज्यादा बकबक करता है, वो तो सुना जाता है, लेकिन जो कम बोलता है, जिसके बोलने में हिचक है, जिसका बोलना, हमारे कवि थे शमशेर बहादुर सिंह, वो जब बोलते थे तो कहते थे बल्कि हालांकि, और फिर हमारे एक मित्र हैं कमलेश, वो ऐसे ऐसे हाथ करते हैं 2 मिनट, उसके बाद 2 शब्द बोलते हैं। तो ऐसे लोग जो बड़े कवि हैं लेकिन अनसुने जा सकते हैं। तो इस समय मैं श्रोताओं से ये कहना चाहता हूं कि कविता में मौन की प्रतिष्ठा अगर कोई करता है तो दरअसल ये एक तरह का प्रतिरोध है। हमारे यहाँ कविता में प्रतिरोध को पढ़ने की बहुत ही स्थूल विधियां विकसित हुई हैं। अगर आप बार बार कहिए कि आप किसके साथ हैं तो मान लिया जाएगा कि आप उसके साथ हैं, भले आपकी कविता से वो साथ न निकलता, पर बहरहाल
ये एक अलग क्षेत्र है जिसमें अभी जाना जरूरी नहीं है। दूसरी बात ये है कि इधर हिंदी की कविता बहुत अखबारी हो गई, अखबार बहुत खराब हो गए ये अलग बात है, लेकिन उसी मात्रा में कविता भी खराब हो गई, क्योंकि उस पर अखबारीपन का बहुत असर है। अखबारीपन का असर मतलब अभिधा का आतंक कि जो कुछ कहें वो फौरन समझ में आना चाहिए, तो और जो भाषा की शक्तियां हैं व्यंजना की लक्षणा की जो हमारे यहाँ गिनाई गई हैं, और भी जो हो सकती हैं, जो बारीकियां हैं, जो सूक्ष्मताएं हैं, जो उसकी अंतर्ध्वनियां हैं, वो अलक्षित जाती हैं, सुनी नहीं जाती, उनकी जगह जैसे नहीं बची है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये बताना है, और क्यों बताना है खुदा जाने, आप पूछने वाले कौन हैं, आपको क्या हक है कि आप मुझसे कहें कि आप किसके साथ हैं। मैं आपसे कह सकता हूं आप भाड़ में जाइए, कम से कम मैं आपके साथ नहीं हूं। भले आप आदर पूर्वक कहिए, हमारे यहां तो क्रियापद को भी आदर सूचक करने की सुविधा है हिंदी में ना, तो आप ये कह सकते हैं कि भाड़ में जाइए वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि हम एक तरह की कविता को सुनने के इस कदर आदि हो गए हैं कि न तो हमको मौन सुनाई देता है, न हमको अंतर ध्वनियां सुनाई देती हैं, और न हमको एकांत सुनाई देता है, हमको कविता में अपना बचपन भी सुनाई नहीं देता, और जो सुनाई देता है वो समाजशास्त्रीय बचपन है, यानी वो बचपन जिसमें थोड़ी विपन्नता, ये हो कि माँ जो थी वो सूखी रोटी, या इस तरह का कोई एक उल्लेख आ जाए जिससे आपका मतलब जो वर्ग चरित्र है वो ठीक से प्रकट हो जाए, और आपके बारे में ये संशय न हो कि ससुरा बड़ा अभिजात है और पैदा ही महलों में हुआ होगा इत्यादि इत्यादि। तो ये जो स्थिति है इसमें मुझे लगता है कि हालांकि वो हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति नहीं है, इस तरह की कविता को एक हस्तक्षेप की तरह देखा जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए। आप कुछ कहना नहीं, मैं तो आपकी बात की पुष्टि में कहना चाहता था कि हमारा जो अखबार है, लेकिन थोड़े हिंदी अखबारों में है जो कविता नियम से छापता है, लेकिन मेरे पास जो चीजें आती हैं उनमें सबसे ज्यादा कविताएं आती हैं। इतनी कविता इस देश में लिखी जा रही है, और उसमें ये भी कहूं कि ज्यादातर नहीं छापने के काबिल होती हैं। एक बात, मैं भी भेज चुका हूं और छपी नहीं, छपी छपी इन्होंने भेजी, वो छपी। मैं तो इसी डर से नहीं भेजता हूँ ऐसा ऐसा है, लेकिन मैं कहेंगे आपका तो हर सप्ताह हम स्तंभ छापते हैं, कविता भी छापेंगे। नहीं तो मुकुंद जी और अशोक जी की कविता आए न छपे तो हो नहीं सकता, वो अगले हफ्ते ही छप जाती होगी। लेकिन एक तो ये बात की आती है, दूसरा जो अशोक जी ने कहा सचमुच ये कि कोई चीज घटती है उस पर कविता लिखते हैं, यहाँ तक कि व्यक्तिगत भी हो, प्रेमी प्रेमिका का झगड़ा है फौरन घर आके उसके ऊपर भी कविता लिख रहे हैं आप। कविता इतना जल्दी लिखते हैं, बड़बोलापन कविता में आता है, तात्कालिकता आती है। अभी मैंने एक लेख लिखा था पिछले दिनों, जब ये जो बलात्कार की घटना दिल्ली में हुई दर्दनाक, पर उस पर बात ये थी, मैंने ये कहा था कि जो साहित्यकार हैं, अशोक जी ने भी लिखा, कृष्णा सूरती ने हमारे अखबार के लिए लिखा, लेख लिखा उन्होंने, पर मेरा कहना ये था कि जो संगठन हैं, हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो लेखक का काम लड़ना, संघर्ष करना, नारे लगाना वगैरह, तो मैंने कहा वो तो उस वक्त दिखाई नहीं दिए जबकि हजारों लाखों लोग सड़क के ऊपर थे, तो कुछ लोगों ने कविताएं लिख करके भेज दी तत्काल, वो कविताएं आ गई। तो उनके नाम तो मैं नहीं लूंगा, पर मैंने जब दोबारा लेख लिखा उसमें मैंने एक जिक्र किया, मैंने कहा देखिए रसूल हमजा तो रूस के, और उस जमाने का रूस जब सारी कविताएं प्रतिबद्ध लिखी जा रही थी, वो जब भारत आए 80 के दशक में तो उनका एक इंटरव्यू लिया गया था, तो उनको ये पूछा कि अफ्रीका के कवि बेंजामिन मोलेस को जब फांसी दी गई तो उस वक्त कविताओं की बाढ़ आ गई थी, जैसे हमारे यहाँ इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी में तो कोई बोला नहीं, खत्म होने के बाद सबने कहा कि ये कविताएं हमने इमरजेंसी में लिखी थी, उस वक्त कोई लिखता तो लगता भी चलिए कुछ आपने एक प्रतिरोध का स्वर अख्तियार किया। तो रसूल हमजा तो को पूछा गया कि आपने कोई कविता नहीं लिखी, बाकी सब ने लिखी, उन्होंने कहा कि नहीं उस वक्त मैंने एक भाषण दिया था, और उन्होंने कहा कि देखिए जब मुझे भाषण देना होता है तो मैं भाषण देता हूँ, जब मुझे लेख लिखना होता है तो मैं लेख लिखता हूँ, कविता तो मैं तभी लिखता हूँ जब कविता का दबाव बनता है जो कि आंतरिक होता है। ये वो व्यक्ति कह रहा है जो एक प्रतिबद्ध जमात से आता है, जो बहुत फौरन और फौरी विषयों के ऊपर कविता लिखती है, पर मैं रसूल हमजा तो की बात मानता हूँ, और आपकी बात का
कि मानता हूँ कि कविताएं बहुत लिखी जा रही हैं, खराब कविताएं हैं, उनमें बड़बोलापन है और वो तात्कालिक होती हैं, जबकि कविता जो है वो शाश्वत होनी चाहिए। और आप भी सहमत होंगे इस बात से। हाँ बिल्कुल, बात तो सही है, पर मैं जो लिखता रहा हूँ तो ये उस जिस एकांत में लिखता रहा हूँ उसका जो हिंदी का कविता जगत जिसको कह सकते हैं उसमें उसके भीतर में नहीं रहा, बहुत अलग ही अपना। अच्छा हुआ आप बच गए। बचाया नहीं, हो सकता है कि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, गवैया तभी गा सकता है जब गवैयों में रहे, तो कविता तभी, यानी ये कलाकार को चाहिए कि कलाकारों में रहे, चाहे वो कैसा भी कला जगत हो, विचारक को चाहिए विचारकों में रहे, यानी ये संघ बनता है, पर और इसके बिना बात अधूरी रहती है। पर मैंने जो भी लिखा है कविता के रूप में, जो भी लिखा है, अगर वो बनी भी है कविता, तो वो इस जगत से थोड़ा अलग ही रह कर लिखा है। देखिए, डॉग हेमरशोल्ड नाम के एक सज्जन थे जो यूनाइटेड नेशंस के सबसे पहले प्रसिद्ध महासचिव थे, इतने बड़े पद पर थे उस समय, कांगो और कोरिया और क्या क्या इतने युद्ध हो रहे थे, कोई नहीं जानता था कि वो कवि है। उनकी मृत्यु के बाद WH Auden ने उनकी कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया और मार्किंग नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें एक आदमी जो संसार के सबसे विकट राजनयिक युद्धों में व्यस्त व्यक्ति था, उसकी सारी कविताएं एकांत की कविता, उसमें कहीं भी किसी घटना पर कोई टिप्पणी नहीं है, किन्हीं चरित्रों पर कोई टिप्पणी नहीं है। हमारे आजकल बड़ी अधीरता राजनीति पर, लोकतंत्र पर, फलाने पर, ढिकाने पर, इस पर राय देने का कवियों को पता नहीं कहां से हक मिल गया है। ये ठीक है कि हम पर राय देने का राजनेताओं को भी कहां से हक मिल गया है कि साहित्य को यूं होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, लेकिन हमको भी यहां कहां से हक मिल गया है कि हर चीज पर हम फैसला दें। फैसला देना साहित्य का काम नहीं है, साहित्य का काम फैसले को भी प्रश्नांकित करना है, उसका काम अपने पर भी शक करना है, और सारी बड़ी कविता ने अपने पर शक किया है। जो अपने सच को अटल मानता है और अंतिम मानता है वो ससरा कवि हो ही नहीं सकता, उसको कुछ और काम करना चाहिए, दुनिया में बहुत अच्छे काम है करने के लिए। ये जो संशय है, जो अपने किए पर संशय है, अपने सोचे पर संशय है, ये एक बहुत बुनियादी बात है साहित्य के लिए। दूसरी बात जो आपने कही कि विचार तो आपने सामने रख दिया लेकिन उस पर कोई आलोचना या चर्चा नहीं हुई, वो हिंदी के एक दूसरे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष की ओर इशारा करती है। हिंदी में हर चीज को एक तथाकथित विचार में घटाने की तो प्रवृत्ति बहुत प्रबल है, लेकिन जब सचमुच विचार सामने आता है तो उस पर विचार करने की कोई हिकमत नहीं है। मेरे हिसाब से मतलब इसका थोड़ा श्रेय आपके शहर में आपके सामने और अपनी बेशर्मी के लंबे इतिहास के चलते मैं ले सकता हूँ कि मैं ही हूं जो बार बार बताता रहा हूं अपने स्तंभों से कि इस देश में डॉक्टर दयाकृष्ण और डॉक्टर मुकुंद लाठ नामक दो बड़े विचारक हैं, लेकिन इनके विचारों पर कोई चर्चा हिंदी जगत में कभी नहीं हुई। ये एक विचित्र बात है, हम इतने विचार विपन्न समाज हैं कि हमें ऐसे विचारों का स्वागत कर सकना चाहिए। हमारे यहाँ विचार वैसे ही बहुत कम है, लेकिन विचार की कमी का एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव हम पर यह है कि हमने विचार मात्र से छुट्टी कर ली, हमारे पास हिम्मत ही नहीं रह गई है। और दूसरी तरफ अंग्रेजी वगैरह में जो विचार होता है जिसका जो जरूरी नहीं है कि बहुत गहरा ही हो, उससे हम बहुत आतंकित रहते हैं। तो
टिप्पणीकारों को हम विचारक मानने लगे हैं, मुझे तक विचारक कह दिया जाता है, मुझे बड़ा संकोच होता है कि मैं इधर उधर टिप्पणियां करता रहता हूं, इससे कोई मैं विचारक नहीं बन जाता। हो सकता है मेरे साहित्य में कोई विचार हो जिसका मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन एक दिन चल जाएगा दूसरों को। लेकिन जिसको चाहे आप उसको विचारक कह सकते हैं, और जो सचमुच विचार करता है उसके विचार पर बात करने की आप में ताब भी नहीं है, शायद हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि उसमें इस तरह के अखबारीपन से काम नहीं चलेगा, इस तरह के द्वैतों से भी काम नहीं चलेगा कि या तो तुम मेरे साथ हो और या मेरे विरुद्ध हो। ये साहित्य में, कविता में जो मेरे साथ है हो सकता है वो मेरे विरुद्ध हो, और जो मेरे साथ नहीं है हो सकता हो मेरे साथ हो। और हम खुद कभी लोग आधा अपने साथ होते हैं आधा अपने विरुद्ध होते हैं, इसलिए हमें दूसरों का साथ देने और दूसरों का विरोध करने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती। हम अपने ही इसी में मरते खपते रहते हैं, आधा रोना आधा गाना इत्यादि। मुझे एक और स्वर जो इसमें दिखाई देता है, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगता है, वो स्वर है एक किस्म का हल्का अवसाद। मतलब आपकी कविता में उल्लास भी है एक तरफ, प्राकृतिक बहुत चित्र हैं ऐसे जिनमें लगता है कि बहुत उल्लसित हैं आप, और फिर कहीं लगता है कि आप अवसन्न हैं। तो यद्यपि मैं तो इसमें कोई विशेष वो देखता नहीं हूं कि इससे क्या गड़बड़ी होती है, लेकिन क्या आपको इसका एहसास है कि आपकी कविता में उल्लास भी है और अवसाद भी है? कविता में हम अपने को एक तरह से अपने अनुभव में रहते हुए ही अपने अनुभव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसकी संभावनाएं भी देखते हैं, और वहाँ अवसाद उल्लास और विनोद कई तरह की बातें आती हैं, पर वो अपने यहाँ कहा गया कि रसों में विरोध नहीं होता है वैसा, क्योंकि वो रस ही रहते हैं, वो इसलिए कि वो व्यवहार के स्तर पर वो आपको जो भाव जागता है, जिस भाव को आप देखते हैं और वो देखते हुए आपके देखते हुए जागता है, वो आपको बहा के नहीं ले जाता, वो इस तरह का गुस्सा नहीं होता कि किसी पे आप बरस पड़ें, या ऐसा डर नहीं होता कि आप वहाँ से भाग निकलें। वो एक ऐसा स्तर होता है जहाँ भाव अपने आप को टटोल सकता है, अपनी संभावनाएं भी देख सकता है, और वहाँ जो उसके विरोध होते हैं वो विरोध एक तरह की शांति के साथ आते हैं, तो वो विरोध उतने विरोध बने नहीं रहते हैं ऐसा मुझे लगता है। आप तो स्वयं इसके अनुभवी हैं। अब मेरे हमारे पास शायद इतना वक्त है कि हम कुछ 15 मिनट हैं प्रश्नोत्तर। अच्छा, लोगों से आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, प्रश्नोत्तर कर लें। मैं तो इनकी एक एक बात के ऊपर मैं चाहता था जरूर रेखांकित करना चाहिए कि इनकी कविता की जो लय है, पर अब कविता में बड़बोलेपन के साथ साथ लय का भी लोप हिंदी में बहुत दिखाई देता है, यानी कविता की अपनी जो लय है। और इनकी कविताएं, इनको हमने शुरू में कहा था कि आप अपनी कविताएं 2 बार सुनाएंगे, तो इनको इनके आप इनकी मुस्कुराहट में देख सकते हैं कितने संकोची हैं। कुछ हम लोगों की राजस्थान की परंपरा ऐसी है, जहाँ से मैं आता हूँ तो अपने बच्चे का नाम भी नहीं लेते हैं, कहते हैं किसका है, बोले आपका है क्योंकि उसमें भी एक अहंकार झलकता है कि आप कहें कि मेरा है। लेकिन अब आज का समाज इतना मैं करता है, मेरा मेरा करता है, कि कल दलाई लामा को यहीं पे कह के जाना पड़ा कि मैं कहने वालों को ज्यादा हार्ट अटैक होता है क्योंकि वो अपनी बात ज्यादा करते हैं, तो ये नहीं बोलेंगे। पर मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट लेकर के इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि जैसे लय की कविता का, सिर्फ 2 कविताओं का उदाहरण,
एक इनकी कविता है तोते सवेरे सवेरे, तोते सवेरे सवेरे धानी हरे, रत्नार गुलमोहर जमकती चोंच, खुलकती चीखती किस करकशा का स्वर, कुतर खाती निमोली पेड़ भर की बिछा जाती तले, पूरा झुंड है तोते सवेरे सवेरे, कुछ देर मंडराए चितरती बिखर जाती पंगतों में, उड़ गए किस दूर का आकाश आंखों में लिए, किन जंगलों की ओर पूछो उन्हीं से, उछला उमगता रंग का पानी हवा में फुरफुराया, सवेरे ही सवेरे तोते हरे धानी खरे। और एक और छोटी कविता जिसमें लय का आप लक्ष्य कर सकते हैं, छंद कहो, और इन्होंने छंद पे बहुत कविताएं लिखी हैं और संगीत पर भी चूंकि उनका अपना दायरा है। छंद कहो, बड़ी देर बैठे हो सो गए हैं हाथ कलम ऊब गई, उठने से पहले कुछ कहो छंद, अर्जुन का तीर कहो, धनुष नहीं खींचता है नहीं खींचे, एक ही लकीर खींचे तीर खींचे, भीतर ही खींचे तीर, सोते से नीर खींचे, कब से पपड़ा रहे हैं ऊंट। तो ये आप पाएंगे कि इनकी कविता में ये जो लय का बोध है, मैं सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि ये सारे जवाब आप देख रहे हैं कि दार्शनिक की तरह घुमा फिरा के दे रहे हैं, तो इनका तो जवाब तो अभी भी आपको घुमा फिरा के ही मिलेंगे, लेकिन बहरहाल हाथ उठाइए जी। मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक तो मुकुंद जी से है कि जब हम लोग आ रहे थे इस सेशन से पहले तो अपने साथियों के साथ हम भी ये बात कर रहे थे कि जो संग्रह का नाम है अनरहनी रहने दो, उसमें बड़ा आकर्षण था, और सच्चाई तो यह है कि हमें भी ये समझ में नहीं आया कि क्या है उसमें। तो एक तो आपसे ये गुजारिश है कि इस नाम के पीछे क्या वजह थी, क्यों आपने इसका फैसला किया, वो आप कृपया बता दें। और दूसरा छोटा सा एक सवाल, चाहे अशोक जी या ओम जी कोई भी बता दें, आपने कहा कि आजकल कवि बहुत हो गए हैं, बड़बोलापन हो गया है, हर गली मोहल्ले में एक कवि पाया जा रहा, तो क्या जो नए लोग हैं, मैं आप बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या उससे उनमें से कुछ आप अगर नाम लेना चाहें तो जिनसे कुछ उम्मीदें भी बाकी हैं कि हिंदी कवि का भविष्य शायद उतना खराब ना हो जैसा कि अभी बातें हो रही हैं। बस इनके सवाल में एक पूरक सवाल इसलिए जोड़ लेना चाहता हूँ कि मुझे भी कई लोगों ने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं जब इनकी कविताएं पढ़ रहा था तो मैंने कुछ शब्द लिख लिए थे जिनका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, हालांकि हिंदी मेरी इतनी खराब नहीं है, पर मुझे लगा कि मेरा शब्द सामर्थ्य बढ़ा है। वैसे ये अच्छी बात भी है कि आप अच्छी कविता पढ़ते हैं, अच्छी किताब पढ़ते हैं, तो आपके शब्दों की ताकत, आपका सामर्थ्य बढ़ता है। लेकिन आप भी सुनिए, अगर ये आपने पहले हिंदी कविता में शब्द पढ़े हों, शेन, घास, भेख, हटक, निर्रिति, व्याहत, निरय, उमहते पांव, अपावृत, कटंकित, तीर्थिक, लेलीहान, पंडुक, सुडर, बटखरा, अप्रकेत, स्थाणु, रिलिक, रिकलास, भाती, ऐसी लंबी सूची मैंने बनाई है, तो मेरे शब्द का तो संसार बड़ा है, लेकिन आप ये जानबूझ के ऐसे शब्द आंखे बांके अटपटे तो नहीं कह रहा हूँ इस्तेमाल करते हैं, या ये छंद की दरकार है? छंद की तो होती ही है, पर ये शब्द मुझे सहज ही आते हैं, जो बात कहनी हो उसके लिए हम शब्द ढूंढते हैं, और केवल शब्द ही नहीं ढूंढते, ये भी सोचते हैं कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, और वो अक्सर वो पकड़ तभी आती है जब सही शब्द मिल जाए, क्योंकि वो बात भी अपने आप को छुपाती है, तो वो कभी जो शब्द लगता है कि ना ये वो उस बात को पकड़ रहा है, उस शब्द को मैं सामने लाता हूँ, हो सकता है कि वो बहुत चलताऊ ना हो, पर ऐसे शब्द भी शायद नहीं है, मैं कम से कम मिल जाएंगे कोश में, तो मिल जाएंगे शीर्षक अनरहनी, जो साधारण हम रहते हैं उसके लिए रहनी शब्द कोई नया नहीं है, अनरहनी वो है जब वो उखड़ जाए, अनकहनी तो हम समझते हैं, उसको अगर हम ध्यान में रखें अनकहनी शब्द को, तो अनरहनी समझने में कोई कठिनाई मैं समझता हूँ आनी नहीं चाहिए,
वैसे समय हो तो एक कविता है हम कहनी पे, उसको मैं पढ़ देता हूँ। वैसे हिंदी कोश इससे समृद्ध ही होगा इन शब्दों से। इस पर भी कभी विचार करने की जरूरत है कि कवि पिछले 50 वर्षों में कितने कवियों ने कितने शब्द नए शब्द दिए, नए शब्द दिए हैं या कि उनका व्यवहार किया है। जी, कविता का शीर्षक ही है अन रहनी रहने दो, इसी शीर्षक को लेके मैंने पुस्तक का शीर्षक दिया है। उधर सभी की आंख तो उठी थी, उधर सभी की आंख तो उठी थी, नहीं कुछ नहीं देखा। तुम्हारे पांव में आगंतुक था प्रलय, उधर जा छिटका। नाभिहीन चक्रहीन जहां ढूंढता छितरे वलय का वृत्त, अरा अरा बिखर रहा हूं रोम रोम क्षुब्ध अप्रतिष्ठ, भटकता अराजक इस चलने में चक्र का त्रिशंकु केंद्र, पर यही इंगित है चक्रचारी का है विलीन अप्रतीक मर्म, यही अनरहनी रहने दो। और दूसरा प्रश्न एक वो पूछना चाह रहे थे दाढ़ी वाले से। जी जी नहीं, ये नमस्कार, मेरा नाम सुष्मिता है। मन से आए एक विचार से मेरे मन में प्रश्न जगा था कि व्यवहार एक व्यक्ति में वह व्यक्तित्व जो व्यवहारशील है और वह व्यक्तित्व जो कविता करता है उनमें भेद है। तो मैं जानना चाहूंगी कि जो व्यक्ति व्यवहारशील है उस व्यक्ति से उस व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया जो व्यक्ति कविता करता है और जो कविता करता है वो किस तरीके से उस व्यक्तित्व को प्रभावित करता है जो व्यवहारशील है, उन दोनों का आपस में संबंध और उन दोनों का एक दूसरे पे असर मैं जानना चाहूँगा। देखिए, अव्वल तो एक ही व्यक्ति के दो हिस्से हैं ये, इसलिए वो एक ही व्यक्ति में निवास करते हैं, उनमें आपस में संवाद भी है, उनमें आपस में एक दूसरे को प्रभावित करने की के अवसर भी हैं और वो प्रभावित करते ही हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यवहारशील जो व्यक्तित्व है उसका और जो सृजनशील व्यक्तित्व है इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं, ये सही नहीं है। संबंध तो होगा ही क्योंकि वो एक ही व्यक्ति के अंदर है, लेकिन वो संबंध बहुत जटिल संबंध है, कई मामलों में द्वंद्वात्मक संबंध है, कई मामलों में वो संबंध संवाद का है और कई मामलों में वो संबंध अंतर विरोध का है। इसलिए उसको बिल्कुल सीधा सीधा किसी समीकरण में घटाया नहीं जा सकता, और अगर हमारी बात से आपको ऐसा लगा हो तो उसको दूर कर लें। जी सर, मेरा नाम दीप जगदीप है। मैं एक प्रश्न लेके इस सेशन में आया था और मुझे लगा था कि पूछना नहीं पड़ेगा, डिस्कशन से जवाब मिल जाएगा, लेकिन डिस्कशन ने उस प्रश्न को और तीव्र कर दिया। जी पहले मैं समझता था कि जो लय की बात है वो हाशिए पे हो गई आज की डेट में हिंदी की कविता में, लेकिन थानवी साहब ने उसको लास्ट में ले आए हैं पूरी डिस्कशन में, सबसे एंड पे आई, तो मुझे लग रहा है कि हाशिए में नहीं हुई, शायद आखिर में जरूर हो गई है। तो मैं पिछले दिनों एक कवि कविता समारोह में गया, वहां पे भी कुछ लोगों ने ऐसी कविताएं पढ़ी जो मतलब मुझे कविता कम लगी, शायद मेरी समझ कम हो, लेकिन जो वहां पे अध्यक्ष थे बहुत बड़े कवि थे, बाद में मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि अगर आप गायिका ऐसे पढ़ सकते हैं ऐसे जैसे कि इन लोगों ने पढ़ी है तो वो भी कविता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, लय क्या हाशिए पे भेज देनी चाहिए, जैसे कि आखिर में इस डिस्कशन में भी आखिर में आ गई है। अच्छी कविता बिना लय के संभव नहीं है, और ऐसी सारी अच्छी कविता जो भले मुक्त छंद में लिखी गई हो लय युक्त कविता है, इसलिए इसको ये कहना कि उसमें लय नहीं है, लय बदलती है, बातचीत की लय है। हम लोग भी सीधे सीधे गद्य नहीं बोलते जब बोलते हैं, हम एक तरह से गद्य और कविता के बीच की लय का इस्तेमाल करते हैं जब हम साधारण रूप से भी बोलते हैं। तो बहुत तरह की लय हैं और हिंदी में लयों का संसार बहुत विस्तृत हुआ है। जो पारंपरिक लय थी, जो जिसके रूप थे, जो छंद थे,
वो अब उतने मान्य नहीं रहे, हालांकि उनमें से कई की वापसी हो सकना चाहिए, लेकिन ये अलग बात है। अभी जो स्थिति है वो ये है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न से ये जो ध्वनि निकल रही है, जो आपके देखिए समझ की तो आपकी सीमा तो होगी ही, मेरी भी है, लेकिन मुझे मेरी समझ ये है कि अच्छी कविता बिना लय के संभव नहीं है। लेकिन हमारी कविता पर पिछले 50-60 वर्षों में विकसित गद्य के बहुत विशाल संसार का अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह का प्रभाव पड़ा है, तो उस प्रभाव का भी एक प्रतिफल है कि कई बार लगता है कि ये तो निरागद्य है। निरागद्य में भी कविता हो सकती है, सवाल ये है कि आप लिख क्या रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। काफ्का के गद्य में या निर्मल वर्मा के गद्य में, मनोहर श्याम जोशी के गद्य में, फणीश्वरनाथ रेणु के गद्य में, हजारी साहब द्विवेदी के गद्य में आप ऐसी लय पा सकते हैं जो आम तौर पर गद्य में नहीं होती थी। वह आपको सबको समाप्त करना है, झंडी 3 बार दी जा चुकी है। अंतिम प्रश्न जी। अच्छी वीर रस की कविता बड़बोली नहीं होती, ये कोई वीर रस को ये अधिकार नहीं मिला हुआ है कि ज्यादा बड़बड़ करे, उसको कविता होना होगा भले वीर रस में हो। वीर रस में भी ये संभव है कि आप अच्छी कविता जो होगी, बस आप समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक एक भाई दूसरा सत्र होगा यहाँ, वो हमको निकाल बाहर। सम्मानित मंच, मैं माननीय वाजपेयी जी से इत्तेफाक नहीं करती हूँ, क्योंकि एक आपने टिप्पणी करी थी कि कभी को राजनीति या राजनीतिक माहौल पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए या राजनीतिज्ञों को कभी पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम जब छोटे थे हमने रामबख्श बैनीपुरी जी का निबंध पढ़ा था, साहित्य समाज का दर्पण है, तो जो माहौल है साहित्यकार चाहे कवि हो चाहे कलाकार हो चाहे रचनाकार हो, अपने अगर सराउंडिंग से कटकर एक आइलैंड में बन जाएगा तो उसका साहित्य सृजन जो होगा वो सार्वकालिक और सार्वभौमिक नहीं हो पाएगा। मैं और जो भी महान कृतियां हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि हर वो टिप्पणी जायज है जिसमें अपनी हिस्सेदारी का भी एहतराम हो जी। आपको हक नहीं है कि आप दूसरों पर फैसला दें जब तक कि आप अपने को खुद अदालत के कटघरे में नहीं खड़ा करते, जैसा समाज हमने। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Apologies, ladies and gentlemen, but the conversations and dialogues can continue outside the venue. We have another session starting at 6 o'clock. Dr. Vajpayee, Shri Mukundlal ji, and